Dear students, I welcome you in the course of leadership, Emotional Intelligence, and Decision Making. This is module number 235. And the topic under discussion is cross-indexing. When we talk about cross-indexing, we mean to say that there are different patterns which are taking place and developing in our mind. Or different patterns indexed ko aapas mein associate, affiliate, or recognize. इस मकसद के लिए वेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस इंडेक्सिंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंटिव और एवरीडे लाइफ में भी इसके बहुत सी इंप्लीकेशन है जिनको हमें समझना होगा फॉर एग्जाम्पल इन जनरल मैनेजमेंट पीपल विद वेरी एंड डाइवर्स बैकग्राउंड आर ऑल एंड ऑल अदर थिंग्स बींग केप्टेंट गोइंग टू प्रोबली बी मोर वैल्यूएबल एंड विल लर्न फास्टर

देयर फोर याद रखिएगा कि हर किसी का अंडरस्टैंडिंग जो पैटर्न है, है, है वो भी डिफरेंट होगी समुड लर्न फास्टर एज कम्पेयर टू अदर्स रिक्नाइज डिफरेंट पैटर्न एज कम्पेयर टू यू देअर फोर हमें यह समझना पड़ेगा कि वेराइटी ऑफ पीपल आर देयर एड हर शख्स अपनी यूनिक कंपिटेंसी के मुताबिक ही चीजों को इंटरप्रेट एनालाइज सिंथेसाइज कर सकता है देअ हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी रूनुमा होता है वो सब का सब हमारे गट इंस्टिंक्ट्स का पार्ट वो बनता है और रोजमर्रा की जिंदगी में मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम आर टेकिंग प्लेस हर वक्त कुछ ना कुछ रुनमा यकीन हो रहा है फाइव गेट्स ऑफ नॉलेज हमें हर वक्त कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वो जरूर पहुंचा रहे हैं इसके अलावा एल्म की कैफियत ख्वाब की कैफियत ये सब चीजें भी मिलजुल हमारी गट एंड को प्रमोटर सपोर्ट वो करती हैं है रीजनेबल डिसीजन और रीजनेबल डिसीजन वो तभी हो पाएंगे जब आप इस बात को समझ सको कि रैशनैलिटी एंड इंट्यूशन दे आर सपोज टू गो साइड बाई साइड क्रॉस इंडेक्सिंग हमें हेल्प करती है अपने पैटर्न इन पैटर्न को एवेलुएट करने के लिए सिंक्रोनाइज और पैटर्नाइज करने के लिए ताकि हम चीजों को बेहतर तौर पर एवेल्यूएट वो कर सकें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे साथ जिंदगी में जो कुछ भी रूनमा हो रहा होता है वो सब कुछ ना कुछ मायनी वो रखता है हर चीज के बैकेंड के ऊपर कुछ रीजनस एंड लॉजिक्स मौजूद हैं लेकिन बाज रीजन एंड लॉजिक्स हम जान पाते हैं और बाज रीजन एंड लॉजिक्स हम तक नहीं पहुंच पाती तो वो हमारे लिए इंट्यूशन का रूप इख्तियार कर लेती हैं हमें केयरफुल रहना है कि हम अपने माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस को बरकरार रखें और हम कॉन्शियस लेवल के ऊपर चीजों को समझने की कोशिश करें थैंक यू